द ग्रेट जापानीज फिल्म मेकर यासुजीरो ओजू, जिन्हें दुनिया भर में वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर माना जाता है, उनके काम को उनके मृत्यु के बाद से कंटिन्यू प्रशंसा मिलती गई। उनकी मोस्ट अक्लेम टोक्यो स्टोरी 1953 में रिलीज हुई यह नोरिको ट्रायोलॉजी का तीसरा भाग है, जिसमें पहले दो भाग लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर है। उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल, एस्थेटिक एंड थीम्स आज भी अप्रिशिएट किए जाते हैं। ओजू ने इन्वेंट किया हुआ टाटामी शॉट, जिसमें टाटामी नाम की जापानीज ट्रेडिशनल मैट में घुटनों के बल बैठे हुए इंसान की आई लेवल को मैच करते हुए लो एंगल पर कैमरा रखा जाता है। इस एंगल को मैट एंगल कहा जाता है। ओजू ने ट्रेडिशनल मूवी स्टोरी टेलिंग रूल्स को ब्रेक करते हुए खुद के इनोवेटिव स्टाइल का प्रयोग किया, जैसे डायलॉग सीन्स में ओवर द शोल्डर शॉट की जगह ओजू ने कैमरा को सीधा एक्टर के सामने फेस टू फेस रखा, विच हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द व्यूअर्स इन द मिडल ऑफ द सीन। ओजू ने पूरे अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 50mm कैमरा लेंस का ही उपयोग किया, जिसे द लेंस क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन विजन माना जाता है। उनकी आखिरी फिल्म एन एटम आफ्टरनून 1962 में रिलीज हुई। 1963 में उनके 60th बर्थडे पर उनकी डेथ हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर